हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। हमने एक्सपर्ट एजुकेशन में रीजनिंग की वीडियो बनाई है और जीके की वीडियो बनाई है। इस पर हम लाइव वीडियो लेकर आए हैं जीके क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ साइंस बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी सेट, अर्थात जीके साइंस बायोलॉजी बायोलॉजी के हम ऐसे क्वेश्चन लाए जो जीके के आधार पर मतलब नॉर्मली हर कोई आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी भी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण, प्रकाश संश्लेषण या पाचन। तो किसी भी जीव का पोषक तत्वों का सेवन और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। उनके उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पोषण की भेदा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थों से खुद का भोजन बनाते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थों से खुद का भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर है नंबर तीसरा, अर्थात नंबर सी, स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधा को क्या कहते हैं जिसमें सरल जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते? देखो पिछले क्वेश्चन में था बना पाते हैं, इसमें नहीं बना पाते, तो इसको कहते हैं परपोषी पोषण। जब जीव अपना भोजन मृत पौधों मृत पशुओं और सड़ी गड़ी रोटियों आदि से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मृतपोषी पोषण, अर्थात तो वह मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, अर्थात वह उस पर निर्भर होके उससे अपना भोजन प्राप्त होता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात इसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता है, अर्थात उस पर रहता भी है और उसका उससे भोजन भी प्राप्त करता है। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतःग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अंतर्गृहित भोजन पच जाता है, फिर उसकी जीव शरीर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, कहलाता है होलोजोइक पोषण। ठीक है, हर एक पौधे द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की किरणों का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद को भोजन बनाते हैं। तो ये हरे पौधे बनाते हैं और इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को कहते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ पौधे पौधे खाते हैं, वो मांस नहीं खाते, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त
से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील नलियों में टूटता है। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील नलियों से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन मनुष्य के अंदर होता है, जीवों के अंदर होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हम कुछ भी भोजन खाते हैं ना, तो उसके छोटे पानी जो होते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारे जो शरीर के अंदर आमाशय के अंदर वो पचता है। चलिए तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा उस घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए, जैसे हमारे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन प्रदान करें ताकि मैं अभी और नई वीडियो बनाऊँ, ठीक है? और कमेंट करके भी ये बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और आपको ये वीडियो कैसी लगे। धन्यवाद।